अब बात राज कपूर की। बात उन दिनों की है जब रंजीत स्टूडियो के चंदूलाल सेठ के पास पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर राज कपूर को लेकर गए और बोले कि चंदूलाल जी, ये मेरे साहबजादे हैं जो फिल्मों में जाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसे यहां काम दें और फिल्म मेकिंग सिखाएं और इसे सबसे पहले कुली के काम से सिखाना शुरू करें। सेठ चंदूलाल ये बात सुनकर हैरान हो गए कि पापा पृथ्वीराज कपूर जी राज को कुली के काम से शुरू करने को क्यों कह रहे हैं। मगर उन्होंने पृथ्वीराज कपूर जी की बात मानते हुए राज कपूर को स्टूडियो में नौकरी दे दी और काम भी दे दिया, कुली का, हम्माली का, बोझ ढोने का। राज कपूर कुली के काम को करते करते आगे बढ़ने लगे और फिल्म मेकिंग के हर डिपार्टमेंट में काम सीखने लगे और तरक्की करते करते एक दिन बन गए केदार शर्मा के असिस्टेंट। अपने इस असिस्टेंट में केदार शर्मा ने प्रतिभा देख ली एक अभिनेता की और कालांतर में केदार शर्मा ने राज कपूर को हीरो बना डाला फिल्म नीलकमल में। केदार शर्मा जी की देखा देखी धीरे धीरे राज कपूर को और भी डायरेक्टर्स ने काम देना शुरू कर दिया और राज कपूर का एक्टिंग करियर यहां से शुरू भी हो गया। लेकिन राज कपूर जैसे टैलेंट को सिर्फ एक्टर बनकर रहना मंजूर नहीं था, उनके अंदर अभी और विशाल वृहत सपने पल रहे थे, फिल्म मेकिंग के ड्रीम्स। और इसी सपने को लेकर एक दिन राज कपूर रंजीत स्टूडियो में काम कर रहे मुकेश के पास आए और बोले, चलो मेरी गाड़ी में, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। मुकेश जी बैठ गए। अब रास्ते में राज कपूर ने बताया कि वो एक फिल्म बनाना चाहते हैं। बात सुनकर मुकेश जी ने सोचा कि वो शायद इस फिल्म में हीरो लेना चाहते हैं उन्हें, इसलिए ये बात कर रहे हैं। मुकेश जी मन ही मन खुश होने लगे। मगर अगले ही कुछ पलों में राज कपूर ने एक बात क्लियर कर दी कि वो खुद एक फिल्म बनाना चाहते हैं, आग, और उसमें हीरो का रोल राज कपूर खुद करेंगे और फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी करेंगे। मुकेश जी के खुद हीरो बनने के अरमान तो इस बात को सुनकर टूट गए, मगर उन्होंने दोस्त राज कपूर को इस एफर्ट के लिए, इस सपने के लिए शुभकामनाएं दी। इस फिल्म से राज कपूर एक एक्टर से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनने का सफर शुरू करने वाले थे, मगर यह सफर उनके लिए बहुत मुश्किल था। मुकेश जी कहते हैं कि जब राज कपूर फिल्म आग को बना रहे थे तब उनके सामने फिल्म बनाने में जितनी मुसीबतें आती थीं वो सब आई। पैसे की प्रॉब्लम आई, एक्टर्स की डेट्स की प्रॉब्लम आई, कभी टेक्नीशियंस की वजह से कुछ हो गया, कभी शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी, मगर शायद ही कोई परेशानी ऐसी नहीं हो जो उस वक्त राज कपूर ने नहीं झेली हो। फिर भी ये राज कपूर का जिगरा ही था जो इतनी मुसीबतों से लड़ते हुए अपने आत्मविश्वास के सहारे इस फिल्म को, इस मिशन को कंप्लीट कर बैठा। जब इस फिल्म को रिलीज करने की बात आई तब इसे खरीदने वाला भी नहीं मिला। लोगों ने राज कपूर का मजाक उड़ाया। मुकेश जी बताते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर ने तो यह तक कह दिया था कि राज साहब, आपने आग बना तो ली, अब इसे चलाने के लिए थिएटर भी आप ही अपना बना लीजिए ताकि आग लगे तो आपके थिएटर में ही लगे। इतनी सारी मुसीबतें, इतना कुछ जमाने से सुनने के बावजूद राज कपूर को कोई डगमगा नहीं सका। उन्हें पता था एक ना एक दिन वो कुछ कर दिखाएंगे और ऐसा हुआ भी। राज कपूर की आग तो बॉक्स ऑफिस पे फेल हो गई, मगर राज कपूर फेल नहीं हुए। उन्होंने आग की नाकामयाबी को बुझाने के लिए फिल्म बनाई बरसात, और इस बरसात ने उन पर रुपए, पैसे, नाम, इज्जत, शोहरत और काम की कर दी झमाझम मूसलाधार बरसात और राज कपूर बन गए एक कामयाब एक्टर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। इंग्लिश में बनी फिल्म गाइड के डायरेक्टर शूटिंग के दौरान सेट छोड़कर क्यों भागे, ये कहानी बताऊंगा वापस आकर।
सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।